मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। गाइज अभी मैं सुबह सुबह टी नहीं ले रही हूँ, कॉफ़ी नहीं ले रही हूँ, गला बहुत ख़राब है गाइज। मेरा तबीयत ख़राब हो गई है यहाँ पे आके, और आज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हल्दी का पानी। यू कैन सी, जी हाँ, हल्दी का पानी ले रही हूँ नींबू डाल के। देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है गले में, बिकॉज़ गला बहुत ख़राब हो चुका है। और आज हम लोग जाएंगे कहाँ कहाँ, और आदि का भी एडमिशन होना है। आदि का बहुत सारा प्रोसेस बाकी है, उसका कहाँ एडमिशन कराना है, कहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं ले लेती हूँ हल्दी का पानी, चाय नाश्ता भी आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइज यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हो गर्मा गर्म चाय और ब्रेड पकौड़े, क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े कशिश के हाथों से बने हुए। तो गाइज आप भी ज्वाइन कीजिए। गाइज रिया और मैं मिलके बना रहे हैं भरमा भिंडी, और ये जितना भी है ये सब इसने किया है। से हाय। हाय गाइज। और ये मसाला कम पड़ गया है अभी, तो अभी क्या जुगाड़ पानी लगाना है, अब थोड़ा सा दोबारा बना लेंगे, नहीं तो फिर बनाते वक्त डाल देंगे। Okay, this is looking good. और जी दोस्तों, यहाँ पे मेरी भिंडी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो प्याज वाली भिंडी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही हैं, और ये पूरी तरह से बन चुकी हैं। और इनको अब मैं निकाल लेती हूँ। किस किस के मुँह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सच में गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे ले आई हूँ अपना लंच। जी हाँ, और आप भी ज्वाइन कीजिए गाइस मेरे साथ, और मुझे बताइए खा के कि मेरी हाथों से बनी हुई ये भिंडी कैसी बनी है। तो गाइज हम लोग डी मार्ट आ चुके हैं, बिकॉज ताना की बहुत सारी शॉपिंग करनी है क्योंकि उसको होस्टल पहुंचाना है। सो अभी हम आए हैं डी मार्ट और वहां से सामान लेना है, तो चलिए चलते हैं डी मार्ट के लिए और देखते हैं ताना का कौन कौन सा सामान मिलेगा। सो फाइनली सामान सारा ले लिया है डी मार्ट से हमने। जी हाँ गाइज, जो कि ताना का सामान था उसकी पैकिंग चलेगी अब। सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सारी चीज़ें नहीं आ चुकी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लगा रहे हैं। वो कितनी एक्साइटेड है अपनी हॉस्टल जाने के लिए, अपना सामान भर भर के भर रख रही है वो, उसको इतनी खुशी है गाइस। वो तो दुखी होगा ना, ताने चली जाएगी हॉस्टल तो बहुत दुख होगा सच में। बट ही शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि कशिश दीदी आपसे मेरा पीछा छूट रहा है। वो बहुत एक्साइटेड है गाइस, उसने बोला है कि आपसे मेरा पीछा छूट जाएगा। बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका वक्त आता है, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपको घर पे। और दोस्तों यहाँ पे आप ताना की खुशी देख सकते हो, हम जो मॉल से लेके आए हैं डी मार्ट से। जी हाँ, हम ब्रीफ केस लेके आए हैं ताना के लिए, और इसमें एक अच्छी चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये ट्रिपल में है। जी हाँ, ये 12,000 में हमको ट्रिपल में मिले हैं डी मार्ट से, 1, 2 and 3। और ताना तो देख देख के पागल हो रही है क्योंकि एक ओपन करती है, फिर उसके ऊपर अंदर एक और है, फिर उसके अंदर एक और है चुटकू वाला, तो जिसमें ताने अपना सारा सामान रखेगी, तो वो बहुत ही एक्साइटेड है। और साथ में मिल गए हैं उसको ये पट पट करने वाले हैं, फोड़ने वाले, जो मुझे बहुत पसंद है, खासकर ताने को भी बहुत पसंद है। ये देखिए आप, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रीफ केस हैं 3, 12,000 में। और गाइज यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ताने जो सारा सामान हॉस्टल के लिए ले जा रही है। इसमें से 2 ब्रीफ केस लिए हैं, और यहाँ पे वाओ यार, अंकल कितने सैड हो रहे हैं, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि अंकल कुछ यहाँ पे म्यूज़िक चलवा रखा था यहाँ पे, तो हमने बंद कर दिया था। तानिया इतना प्यार दिखा रही है उनसे, और अंकल तो मतलब इतने इमोशनल हो रहे थे तानिया के जाने पे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो आप देख सकते हो, क्योंकि तानिया अटैच्ड है अंकल से, सो आप देख सकते हो अंकल भी कितने खुश हो रहे हैं। फाइनली गाइस ताना की पूरा लगेज लग चुका है और सब कुछ रेडी हो चुका है, उसके शूज़ वगैरह, हॉस्टल का सारा सामान जितना भी हम कर सकते थे वो सारी चीज़ कर ली। ताना का जैसे कि मैंने आपको सब दिखा दिया है, सारी पैकिंग हो चुकी है उसकी, और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, फीवर आया हुआ है मुझे, और मॉर्निंग में निकलना भी है चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि ताना को शिफ्ट करके आना है हॉस्टल में, और फिर आकर आदित्य का करना है सारा। आई एम रियली सो बिजी, और बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी मैं, इसलिए व्लॉगिंग लेट सवेर हो रही है, तो इट्स ओके गाइज मैनेज कर लेना। चलिए गाइज आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कमेंट्स दोनों कर देना। दीदी भी जाएगी कल चंडीगढ़, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि ताने को मैं बाय बाय बोल के आऊँगी, ड्रॉप करके आऊँगी,
और बीच में जो भी सारी चीज़ें फड़ेंगी सारी चीज़ शेयर करेंगी। तो अभी मेरी तो तबीयत ख़राब है ही, गला ख़राब है, फीवर आया हुआ है, बहुत हालत ख़राब है। देखते हैं मॉर्निंग तक अगर ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो शायद मे भी मैं ना जा पाऊँ, फिर दीदी ही छोड़ के आएगी तान्या को। चली गई, तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपनी बेस्ट विशेज देना तान्या को, गुड नाइट, गुड नाइट।